तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं सैमसंग मोबाइल के कमाल के हिडन के फीचर के बारे में, या फिर बोल सकते हैं एक नए चेंजेस के बारे में, जो कि मैं अभी कुछ टाइम से यहां पर एब्जॉर्व कर रहा हूं। कुछ टाइम से ये नए चेंजेस मुझे यहां पर दिख रहे हैं, उन चेंजेस के बारे में आपको आगे बताने वाला हूं, जो कि मुझे हर सैमसंग गैलेक्सी में मिले। हो सकता है ये जो चेंजेस हैं हर एंड्रॉयड मोबाइल पर भी आए हों, क्योंकि ये बहुत ही शानदार फीचर है यार। एंड्रॉयड की तरफ से बहुत ही शानदार फीचर है ये, डेफिनेटली हर बंदों को यूज में होगा और ये आपके मोबाइल में भी आ गया होगा, बट आपको नहीं पता चला होगा। तो आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिस में लाइक दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको वहां पर कुछ नए चेंजेस के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि मैं अभी कुछ टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इसमें जो लास्ट वाला बताऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप बहुत इजीली उसको समझ सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो चुकी है। तो सबसे पहला जो चेंजेस है यार, जो कि मुझे लगा, अगर मैंने हेडफोन लगाया हुआ है वायर वाला, अगर मैंने यहाँ पर हेडफोन कनेक्ट किया गया और अगर वॉल्यूम को अप डाउन कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ये पॉइंट निशान मिल रहा है, मतलब हेडफोन के ये आपको यहाँ पर उसका साइन मिल रहा है, जो कि पहले नहीं मिलता था। पहले नॉर्मल दिखाता था, बट अब ये आपको हेडफोन का साउंड बता रहा है। आप देख सकते हैं ये हेडफोन का आपको हाईलाइट होके दे रहा है, जो सबसे पहला चेंजेस मुझे ये लगा। उसके बाद दोस्तों, जो सेकंड चेंजेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ टाइम से आपके पास जो भी कुछ कॉन्टैक्ट सेव होंगे, कुछ की फोटोज ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में सेव हो गई होंगी, जिनकी आपने सेव तक नहीं करी होगी, बट अगर उनको फ़ोन लगा रहे हैं या उनके फ़ोन आ रहे हैं तो उनकी फ़ोटो ऑटोमेटिक आ गई होगी। ये मेरे साथ तो हुआ, ये आपके साथ भी हुआ, देखो कैसे। तो मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर कॉन्टैक्ट में ले जाने के बाद, अगर आप यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे तो आप देखेंगे इतने सारे लोगों की, कुछ लोगों की ये फ़ोटोज़ ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो चुकी हैं, जिनकी फ़ोटो मैंने नहीं सेव करी है, ये सब ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो चुकी हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक एक करके भी नीचे तक मैं ले जाऊँ तो ये आपको फ़ोटोज़ आपको दिख रही होंगी। आपके सारे कॉन्टैक्ट में अगर आप चेक करेंगे ना, तो आपको भी यहाँ पर समझ में आएगा कि इसके अंदर फ़ोटोज़ ऑटोमेटिक यहाँ पर चेक हो गई हैं, क्योंकि कुछ कॉन्टैक्ट तो ऐसे हैं जिनको मैं सेव करता ही नहीं फ़ोटो, बट फिर भी अब वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव होके शो कर रही हैं। बिल्कुल आप तरीके से देख सकते हैं, आप अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट में जाके आप उसको चेक करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको भी दिख रहा होगा, क्योंकि ये मैंने दूसरे सैमसंग मोबाइल में भी चेक करा और भी 3-4 लोगों के मोबाइल में देख करा, और ये सबके मोबाइल में हो गया है ये। तो ये आपको सारे कॉन्टैक्ट में मिलेगा, आप देखेंगे धीरे धीरे करके। तो कुछ कॉन्टैक्ट जिन कॉन्टैक्ट की अपडेटेड होगी ऑनलाइन, मतलब कि जिन कॉन्टैक्ट ने अपना गूगल की जो आईडी होती है ना, जीमेल वाली, या गूगल की आईडी पे अगर उन्होंने फोटो लगा के रखी होगी तो वो ऑटोमेटिक आपके पास सेव हो गई होगी, जिसका मोबाइल नंबर लिंक होगा। जैसे कि पता है हर आदमी मोबाइल से अगर आईडी बनाता है, वो मोबाइल नंबर आपके पास सेव है और उसमें कोई फोटो लगी हुई उसकी गूगल की, वो ऑटोमेटिक आपके उसके कॉन्टैक्ट में सेव हो जाएगी सभी के मोबाइल में, उसमें आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितने लोगों के मैंने आपको लिस्ट दिखा दी, और उनके अधिक से अधिक फ़ोटो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव होती दिख रही है, जो कि मैंने सेव नहीं करी हुई है। मैं धीरे धीरे कॉन्टैक्ट लगाऊँ, मैं ब्लर कर दिए हैं मैंने फ़ोटोज़, ताकि यार किसी की प्राइवेट फ़ोटो आपको ना दिखे, बट आप समझ सकते हैं कि कॉन्टैक्ट में फ़ोटोज़ दिख रही हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैं ब्लर कर दिए, फिर भी आपको समझ में आएगा कितने ज़्यादा लोगों की यहाँ पर फ़ोटोज़ दिख रही हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं यार जिनका नंबर मेरे मोबाइल में सेव है, पर मैंने उनको आज तक खुद नहीं देखा था, बट उनकी तक की फ़ोटो यहाँ पर सेव हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आप अपने मोबाइल में ज़रूर चेक करना, और मुझे ज़रूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा हुआ या नहीं हुआ, और ऐसी नए अपडेट्स के लिए यार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे DM करके भी पूछ सकते हो। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।